वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टीलर के टारगेट्स प्लेयर के ऊपर। तो गाइस वीडियो का आप इंटरेस्टिंग होने वाली, कृपया करके वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो गाइस नंबर वन पर जो हरियाणा स्टीलर टारगेट कर सकती है वो हो सकते हैं मोनू गोयत, जो कि काफ़ी अच्छे एक प्लेयर है। पिछले सीजन इनका इतना अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया, तेलुगु टाइटंस में थे लेकिन इन्होंने टोटल मैच खेले 10 मैच में, रेडी में 38% और टैकल में 14% इनका स्ट्राइकर रहा। टोटल पॉइंट इन्होंने हासिल किए 33। नंबर दो पर आप चंद्रन रंजीत की तरफ जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे एक बेहतरीन रेडर हैं। ये गुजरात जेंट्स में थे, आपको पता है पिछले सीजन इतना अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया लेकिन 17 मैच खेले, 17 मैच में रेडी में 59% और टैकल में 36% इनका स्ट्राइक रेट रहा। टोटल पॉइंट इन्होंने हासिल किए 99। नंबर तीन पर आप अदरस टी की तरफ जा सकते हैं, जो कि एक डिफेंडर हैं, लेफ्ट कॉर्नर के प्लेयर हैं। इनका प्रदर्शन पिछले साल इतना अच्छा तो नहीं गया, इन्होंने 15 मैच खेले, 15 मैच में रेडी में 34% और टैकल में 57% इनका स्ट्राइक रेट रहा। टोटल पॉइंट इन्होंने हासिल किए 38। नंबर चार पर आप जीवी मोरी की तरफ जा सकते हैं, जो कि बेंगलुरु बुल्स में थे, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। पिछले सीजन इनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, 10 मैच खेले, 10 मैच में इन्होंने रेडी में 20%, टैकल में 40% इनका स्ट्राइक रेट रहा। टोटल पॉइंट इन्होंने हासिल किए 3। नंबर पाँच पर आप गोविंद गुज्जर की तरफ जा सकते हैं, जो कि एक पनेरी पल्टन के प्लेयर हैं। ये भी काफ़ी अच्छे एक प्लेयर है लेकिन इन्हें ज़्यादा मौके नहीं दिए गए, लेकिन जब भी इन्हें मौका दिया गया इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इन्होंने 2 मैच खेले, 2 मैच में रेडी में 33% और टैकल में 71% इनका स्ट्राइकर रहा है। टोटल पॉइंट इन्होंने हासिल किए 6। तो ये थे गाइस टॉप 5 प्लेयर जिनकी तरफ हरियाणा स्टीलर जा सकती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी बेल आइकन दबाना प्रेस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।